नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आम की फसल में होने वाली एक हानिकारक बीमारी एंथ्रेक्नोज के बारे में जानेंगे। एंथ्रेक्नोज पत्तियों या डंठल पर प्रकट हो सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से फल का रोग है। पत्तियों पर लक्षण गहरे रंग के किनारों और पीले परिवेश के साथ भूरे रंग के धब्बे में दिखते हैं। छोटे हल्के रंग के धब्बे पहले फलों की त्वचा पर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे फल पकते हैं, धब्बे आकार में काफी बड़े हो जाते हैं और पानी से भीगे गोल गहरे भूरे रंग के घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये लक्षण कटाई के बाद विकसित हो सकते हैं, विशेष रूप से तब जब फलों को फ्रिज में रखा जाता है। कम बारिश वाले स्थानों का चयन करें, प्रतिरोधी किस्मों वाले पौधों और स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। पौधों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ें। बगीचे में या आसपास सिट्रस या कॉफी जैसे गैर धारक पेड़ लगाएं। वायु संचालन बेहतर करने के लिए पेड़ों की वार्षिक छटाई करें। बैसिलस सबटाइलिस या बैसिलस माइलिकोफेंसिस पर आधारित जैविक कवक नाशक अनुकूल मौसम के दौरान लगाए जाने पर सही काम करते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 240 ग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।